हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माय सेल्फ निधि। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों हमारे क्लास 10 का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मार्क स्कोरिंग चैप्टर, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की वीडियो में बच्चों हम डिटेल में समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एंड उससे रिलेटेड सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे कि रूट्स क्या है, रूट्स का क्या नेचर होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है एंड साथ ही साथ श्रीधराचार्य फॉर्मूला को भी समझेंगे। उसके बाद मैं आपको ML अग्रवाल बुक एंड सलीना कंसाइज से इसके सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगी। हाँ, बट जो स्टार्टिंग का इंट्रो वाला पार्ट है बच्चों, जिसमें हम चैप्टर के सारे कंसेप्ट को समझते हैं, उसे कभी भी स्किप मत किया करो, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहा है? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का बच्चों हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसे जनरल टर्म में एक्सप्रेस करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्मूला में एक्सप्रेस करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन होता है बच्चों ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। मतलब एक वेरिएबल, देखो यहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल है x, है ना, एक ही वेरिएबल को मैंने यूज़ किया, चाहे आप x यूज़ करो, चाहे y यूज़ करो, जो भी यूज़ करो, एक वेरिएबल का ऐसा इक्वेशन जिसमें उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहे, वो क्या कहलाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ए बी सी के जगह अगर मैं नंबर्स लिख करके आपको दिखाऊं, तो कुछ भी ले लो आप, 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका भी कुछ टाइप है बच्चों। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनना, ये सब मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, एमसीक्यू में भी कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसे इजली कर लो। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपका स्क्वायर वाला टर्म रहे और एक्स वाला टर्म रहे, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें आपका वेरिएबल का जो 2 वाला पावर है, वेरिएबल का स्क्वायर वाला पावर है, वो टर्म रहे और एक्स वाला टर्म रहे, कांस्टेंट टर्म ना रहे, उसे हम कहेंगे बच्चों एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और होता है बच्चों ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें स्क्वायर वाला टर्म रहे और कांस्टेंट टर्म रहे, x वाला टर्म ना रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x² इज इक्वल टू 8, है ना, स्क्वायर वाला टर्म रहे और कांस्टेंट टर्म रहे, x वाला टर्म आपका ना रहे, उसे हम कहेंगे बच्चों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखो, ध्यान से सुनो, जब भी आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, उसमें जो भी वेरिएबल होता है, जैसे कि मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, इसमें वेरिएबल है बच्चों एक्स। ठीक है, इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है बच्चों, उसे ही हम डिग्री कहते हैं, आप जानते हो या आपने छोटे क्लास में पढ़ा है कि जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है बच्चों? डिग्री। तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2 है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2 है। तो जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा। जो भी आप इक्वेशन ले लो, अगर सपोज करो मैंने इस तरीका का कोई इक्वेशन लिया है, ठीक है, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 3 है। इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 3। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको कितना सोल्यूशन मिलेगा? 3 सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का हाईएस्ट पावर या वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा एक्स का, या जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसका जो वैल्यू आएगा, वो हमेशा 2 आएगा, जिसे आप कहोगे सल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सल्यूशन या फिर रूट्स। ठीक है, समझ में आया? और सोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन दोनों वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो पूरे तरीके से इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया, सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और रूट्स या फिर सोल्यूशन हम किसे कहते हैं, सोल्यूशन बोलो चाहे रूट्स बोलो। ठीक है, अब आते हैं हम कि
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। किसी भी, देखो सारे टर्म्स को मैं एक ही बार में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसके बाद हम सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका सारा डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बच्चों आपका दो तरीका होता है, पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड होता है यूजिंग फॉर्मूला। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसे आप जनरल टर्म में ले आओ। मतलब सपोज करो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² + 3x = 5, ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो आप सबसे पहले जो इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है उस फॉर्म में ले आओ। तो मैंने अभी क्या लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c = 0। मतलब सबको आपको इज इक्वल टू के इधर ले आना है, यानी अगर आप इसे जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले आओगे तो ये बन जाएगा 2x² + 3x - 5 = 0। ठीक है, बन गया। सबसे पहले आप इसे क्या करो, जनरल एक्सप्रेशन के टर्म में लिया, और उसके बाद आपको इसे क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। उसके बाद मुझे इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये भी मैं करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सॉल्व करेंगे, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है अगर आपको उसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले मुझे उसे जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा और उसे फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो हमने मिडिल टर्म फैक्टर सीखा था। अगर बोलोगे तो करके दिखा देती हूँ। तो मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10 में आने के बाद भी उन्हें मिडिल टर्म फैक्टर करना नहीं आता, जो हमने क्लास 8 में सीखा था, इसलिए फिर मैं बता देती हूँ, आप एक बार ध्यान से समझ लो कैसे करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो अगर आप इसका स्टेप याद रखोगे तो बहुत ईजी, कुछ नहीं है। आपको क्या करना होता है, स्क्वायर के सामने वाला जो नंबर होता है, स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है, क्या बोला मैंने मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं, स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है बच्चों और जो कांस्टेंट टर्म होता है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है विथ साइन। यानी स्क्वायर के सामने वाला नंबर है मेरा +2, मैंने क्या बोला विथ साइन, ध्यान रखना है विथ साइन। तो स्क्वायर के सामने वाला नंबर है मेरा +2 और कांस्टेंट टर्म है बच्चों मेरा -5, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 - -5 = -10, क्या आया -10। ठीक है, अब आपको बीच वाला जो नंबर है 3x, बीच वाला जो नंबर है 3, आपको इसके सामने का साइन नहीं देखना है, आपको साइन देखना है जो आपका सॉल्व करके आया, साइन मेरा क्या आया है माइनस का, साइन क्या है बच्चों माइनस का। यानी आपको ऐसा दो नंबर सोचना है, आपको ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको अगर आप माइनस कर दो तो 3 आ जाए और इंटू कर दो तो 5 आ जाए। ऐसा दो नंबर सोचो जिसको अगर आप माइनस कर दो तो 3 आ जाए और इंटू कर दो तो 10 आ जाए। तो आप इजीली बोल दोगे 5 × 5 में से 2 माइनस करूंगी तो 3 आ जाएगा, एंड 5 और 2 को इंटू करूंगी तो 10 आ जाएगा। बस तो 3 की जगह में हम क्या लिखेंगे 5 - 2। क्लियर, ब्रैकेट ओपन करो, 2x² + 5x - 2x - 5 = 0, कॉमन लो x, 2x + 5, यहां से -2 अगर हमने कॉमन लिया तो x + 5 = 0, सॉरी -1 कॉमन लिया, 2x + 5 पहला ब्रैकेट में एंड x - 1 सेकेंड ब्रैकेट में। अब इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से आपका x का दो वैल्यू आ जाएगा। तो ये तो आपका था नॉर्मल वे फैक्टराइजेशन मेथड जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड आता है बच्चों मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जिससे हम कहते हैं यूजिंग फार्मूला। क्या है, यूजिंग फार्मूला, जिसे आप श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहते हो। बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सारा इक्वेशन ऐसा होता है जिसे आप इजीली फैक्टराइज कर लेते हो, जैसे ये वाला इक्वेशन मुझे गिवन था जिसे मैंने इजीली फैक्टराइज कर दिया। अब मैं आपको एक इक्वेशन दे दूंगी और बोलूंगी कि आप इसे सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक इक्वेशन दिया 3x² - 2x + 5 = 0। ठीक है, मैंने आपको ये इक्वेशन दिया और मैं बोलूंगी कि इसे आप फैक्टराइज करो। तो इसे आप फैक्टराइज कर पाओगे, क्या करना है,
मैंने क्या बोला कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, स्क्वायर के सामने वाला नंबर और कांस्टेंट टर्म को बच्चों हम साइन के संग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो, आएगा प्लस 15। आपको ऐसा दो नंबर सोचना है, साइन हम माइनस का नहीं लेंगे, साइन हम इसका लेते हैं। आपको ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको प्लस करने से 2 आ जाए और इंटू करने से 15। तो ये डिफिकल्ट हो गया, आप इसे कैसे करोगे फैक्टराइज। तो इस तरीका का कभी भी क्वेश्चन आएगा बच्चों तो उसे हम श्रीधर आचार्य का मेथड से सॉल्व करते, बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है कि वो होता क्या है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला आपका आया कहाँ से, क्योंकि आपको स्टार्टिंग का पार्ट बोरिंग भले लगे पर मुझे बताना है ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो, है ना। आप बोलोगे कि दीदी डायरेक्ट फार्मूला लिख दो, आपको इतना एक्सप्लेनेशन बताने का क्या जरूरत है, पर मुझे बताना है बच्चों, मैं बताऊंगी ताकि आपका डाउट क्लियर हो, आपको आपके मन में किसी भी तरीका का क्यू वाला क्वेश्चन ना रहे कि ये आया कहाँ से, दीदी ने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो देखो आप जानते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है ax2 + bx + c = 0, ये होता है। आपको क्या करना है, आपको LHS और RHS दोनों तरफ 4a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर भी मैंने 4a से मल्टीप्लाई किया और इधर करूंगी तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 4a² x² + 4ab x + 4ac = 0, क्लियर। 4a² x² + 4ab x = -4ac। अब मैं इधर भी बी स्क्वायर ऐड करूंगी और इधर भी बी स्क्वायर ऐड करूंगी, क्यों करूंगी, क्योंकि अगर मैं इधर बी स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखना, 4a² x² + 4ab x + b² = b² - 4ac, ठीक है। आप सोच रहे होगे ना कि ये मैं क्या कर रही हूं, तो मैं आपको बता रही हूं कि ये जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला होता बच्चों वो कहां से आया है आपका। देखो ध्यान से देखो, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है a² + b² + 2ab। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a यहाँ पे है आपका 2ax है ना, ये 2ax का स्क्वायर है, यानी a + b² इसे आप क्या लिख सकते हो, a + b² = आया आपका b² - 4ac, ठीक है। अगर मैं ये स्क्वायर हटाती हूँ बच्चों, अगर मैं स्क्वायर हटाती हूँ तो इस तरफ आपका क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। अगर ये स्क्वायर मैं हटाऊं तो इस तरफ क्या आ जाता है, आपका रूट आ जाता है। प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac। साथ में हमें प्लस और माइनस भी लगाना पड़ता है, क्यों हम प्लस माइनस लगाते हैं बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल x² आपका 16 गिवन है, अगर आप x लिखोगे तो प्लस माइनस 4 लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो आपको क्या पता कि यहाँ पे x का वैल्यू प्लस 4 है या माइनस 4 है, इसलिए हम दोनों लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे तो सामने में आपको प्लस माइनस का साइन पुट करना पड़ेगा। अब मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं b को इस तरफ लेकर के जाऊंगी, तो 2ax = -b + √ b² - 4ac। यहां से अगर मैं x निकालू तो कितना आएगा बच्चों, -b + √ b² - 4ac/2a, ठीक है। ये आया, ये x का वैल्यू आया, और x का जो वैल्यू होता है अभी तो हमने सीखा, x का जो वैल्यू होता है बच्चों उसे ही हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आप बोलोगे कि दीदी आपने बताया था कि x का x पे स्क्वायर है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो x का तो दो वैल्यू आना चाहिए, यहां तो आपका x का एक वैल्यू आया, यहां पे भी बच्चों x का मेरा दो वैल्यू आया। कैसे x का दो वैल्यू आया है, तो x का पहला वैल्यू है -b + √ b² - 4ac/2a, ये है आपका पहला रूट, और सेकेंड रूट है बच्चों -b - √ over, देखो यहाँ प्लस माइनस है, मतलब ये टर्म प्लस में भी है और ये टर्म माइनस में भी है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और सेकेंड वैल्यू हो जाएगा -b - √ b² - 4ac/2a। ये दोनों आपका x का वो दो वैल्यू आएगा जो कि रूट्स कहलाएगा, और वो दोनों आपके इस इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। अब
आपको क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन है बच्चों वो ए बी सी के फॉर्म में तो गिवन नहीं रहेगा, आपका इक्वेशन, ये पार्ट समझ में आ गया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्सरसाइज में अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे। तो सपोज करो मुझे क्वेश्चन गिवन है 2x² - x + 5 is equal to 0। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन गिवन है और आपको बोला गया है कि इसे सॉल्व करो। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि स्क्वायर के सामने वाला जो नंबर है उसे हम a से डिनोट करते हैं, x के सामने वाला जो कोफिशियंट है उसे हम b से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट टर्म को बच्चों हम c से डिनोट करते हैं। तो बस डायरेक्ट हम यहाँ a b c का वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा दोनों रूट्स निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहे, 2 रहे। सेकंड हमने क्या सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का 2 वैल्यू आता है, जिसे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं। और तीसरा हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व बच्चों हम दो प्रोसेस से कर सकते हैं, पहला तो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और सेकेंड अगर आपका क्वेश्चन में गिवन है कि यूजिंग फार्मूला, कभी भी आप इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो, और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इजली मिडिल टर्म फैक्टर आप उसका नहीं कर पा रहे हो तो भी आप ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है डिस्क्रिमिनेंट क्या है और रूट्स का नेचर क्या है। तो देखो बच्चों, जो रूट्स आएगा आपका, जो रूट्स का वैल्यू आएगा वो आपके कैसे नंबर होंगे, कैसे नंबर होंगे कहने का मतलब दोनों जो एक्स का जो दोनों वैल्यू है वो बराबर होगा या रियल होगा या इमेजिनरी होगा, कैसा नंबर होगा वो डिपेंड करेगा बच्चों आपका इस क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में, b² - 4ac में। जो रूट्स का नेचर होगा बच्चों वो मेरा इस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, b² - 4ac पे, और कैसे डिपेंड करेगा वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि जो रूट्स का वैल्यू होगा बच्चों, के रूट्स आपके कैसे नंबर होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे नंबर होंगे वो डिपेंड करेगा मेरा इस क्वांटिटी में b² - 4ac में, जिसे आप कहोगे डिस्क्रिमिनेंट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। तो बहुत बार आपका -b + √(b²-4ac) के जगह बच्चों d भी लिखा हुआ हो सकता है, तो घबराना मत, b² - 4ac को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड करेगा, तो ध्यान से देखो, अगर इसका 3 क्राइटेरिया, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है केस 1। केस वन क्या कहता है बच्चों, जब भी आप b² - 4ac का वैल्यू पुट करो, जैसे कि मैं आपको इस इक्वेशन से समझाती हूँ, अगर आप इस इक्वेशन का रूट निकालने जाओ तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है बच्चों -1, साइन के साथ लेना है, एंड c का वैल्यू है बच्चों 5। ठीक है, a b c का वैल्यू मैंने निकाल लिया, अब आप पुट करो रूट्स निकालने के लिए वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, -b - √(b²-4ac)/2a। ठीक है, यानी -1 + √(1²) होता है बच्चों, +4 into a into c / 2a, 8 5 = 40/4, 1 + √(41/40) यह है आपका वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि रूट के अंदर का जो वैल्यू है, जिसे हम b² - 4ac या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उस पर आपका ये सारा नेचर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया बच्चों, 41 आया। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया बच्चों, आपका 41 आया इस इक्वेशन के हिसाब से। इसका 3 क्राइटेरिया है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 से बड़ा है, क्या बोला मैंने, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा कोई भी नंबर आए, तो ये जो आंसर आएगा, जो रूट्स आएगा, वो हमेशा रियल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे एंड
अनइक्वल होंगे। देखो आप ध्यान से देखो, ये आपका रियल और अनइक्वल है, इसका दो वैल्यू आएगा। पहला वैल्यू आएगा 1 प्लस रूट अंडर 41 बाय 40 और सेकेंड रूट आएगा बच्चों 1 माइनस रूट ओवर 41 बाय 40। हमने पहले भी सीखा है कि जितने भी रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि 41 आपका रूट के बाहर नहीं आ सकता। तो चाहे रैशनल रहे चाहे इरेशनल नंबर है, यहाँ तो आपके इरेशनल है, चाहे रैशनल नंबर्स रहे चाहे इरेशनल नंबर्स रहे, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं बच्चों, रियल नंबर कहते हैं। तो देखो ये दोनों जो रूट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं और अनइक्वल है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये कब होगा, ये क्राइटेरिया फॉलो कब होगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बच्चों 0 से बड़ा आए। ठीक है, पहली क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई। अब सेकेंड क्राइटेरिया है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बच्चों, अरे ब्लू है ये तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बच्चों 0 के बराबर आए तब क्या होगा। तो देखो बताती हूँ, तीन क्राइटेरिया पे आपका ये रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सपोज करो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आया है। अगर 0 के इक्वल आएगा तो आपका फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अगर ये टर्म बच्चों अगर आपका 0 आया तो ये पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, है ना। अगर इसका वैल्यू अगर आपका 0 आया सॉल्व करके, तो ये टर्म आपका पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। और ये टर्म अगर आपका खत्म हो गया तो आपका जो रूट्स आएगा बच्चों माइनस बी प्लस 0 बाय 2a, इसका वैल्यू क्या आया, 0 आया ना, तो इसके जगह हमने 0 लिख दिया। और एक बार आएगा बच्चों माइनस बी माइनस 0 बाय 2a प्लस 0, और माइनस 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, यानी उस केस में आपके जो रूट्स आएंगे बच्चों वो दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। दोनों रूट्स आपके कैसे आएंगे, बराबर आएंगे और रियल आएंगे। देखो रियल नंबर ही ना, ये रैशनल है मतलब रियल नंबर है। तो क्या बोला मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने क्या बोला, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा आए, पहला केस, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा आए तो उस केस में आपके रूट्स जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगे, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बच्चों अगर 0 आ जाए, ये टर्म अगर आपका 0 आ जाए तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो उस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे और रियल नंबर होंगे। क्राइटीरिया 3, केस 3 है बच्चों, अगर आपका रूट्स का वैल्यू 0 से कम आए, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आए, 0 से छोटा आए, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपका रूट्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। 0 से छोटा कहने का मतलब नेगेटिव नंबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो तो ये वाला टर्म आपका 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आएगा बाय 2a, है ना। और रूट के अंदर जो नेगेटिव होता है बच्चों, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर जो है वो सॉल्व हो सकता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, मतलब रूट के बाहर आए चाहे नहीं आए, वो नंबर्स रियल होते हैं। पर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होते हैं बच्चों वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता है, रूट अंडर माइनस 8 इसका कोई वैल्यू नहीं होता। अगर आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में टाइप करोगे तो अनडिफाइंड इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आए, मतलब ये वाला टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म अगर आपका नेगेटिव हो गया तो उस केस में रूट्स आपके कैसे कहलाएंगे, रियल नंबर नहीं कहलाएंगे, उस केस में रूट्स आपके अनरियल रहेंगे। कैसे रूट्स रहेंगे, अनरियल रूट्स रहेंगे, या आप इमेजिनरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो उस केस में जो मेरे रूट्स आएंगे वो अनरियल रूट्स रहेंगे और अनइक्वल तो रहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ गया। तो तीन क्राइटेरिया है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा, जिसमें आपके रूट्स के नेचर डिपेंड करते। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे हर ईयर में क्वेश्चन आता है, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया है,
इसलिए स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट अगर आपने स्किप किया भी है तो फिर से जाकर के देख लो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग का बेसी बच्चों, अगर आपका जब भी आप घर बना रहे हो अगर पिलर ही आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप इमारत कैसे खड़े करोगे, है ना। इसलिए बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी चैप्टर से कहीं से भी किसी भी सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आए तो आप उसे ईजिली कर लोगे। तो चलो स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी न्यू बुक आई है सलीना की, उसमें एमसीक्यू है। तो सबसे पहले मैं एमसीक्यू को सॉल्व कराती हूँ। तो चलो बच्चों एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो बच्चे क्लास 10 में, अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ अपना एक्सरसाइज का बुक सॉल्व करूं तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। इससे आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सोचोगे कि एग्जाम के एक महीना पहले या दो महीना पहले मैं करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग से फॉलो करो। तो मुझे पर्सनली बच्चों ओसवाल बुक का ये 10 ईयर्स वाला क्वेश्चन का ये जो बुक है बहुत पसंद है। इसमें आपको देखो हर एक चैप्टर के, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाता है विद सॉल्यूशन। और इसका जो सॉल्यूशन का लैंग्वेज है बच्चों बहुत अच्छे वे में लिखा हुआ है, एकदम मार्क्स स्कोरिंग है। अगर आप इसे एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने डिटेल में वर्ड टू वर्ड आंसर्स वो लोग ने प्रोवाइड किया है। तो हमेशा आप याद रखो कि आपको कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको फॉलो करना है। और उसके लिए मैं तो पर्सनली ओसवाल बुक का ये वाला रिकमेंड करती हूँ। मैं अपने जो ऑफलाइन बच्चे रहते हैं ट्यूशन जो मैं कराती हूँ उन्हें भी मैं यही प्रेफर करती हूँ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप इसे एक बार लो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आपको सेम ही कॉस्ट पड़ेगा, बट आप इसे फॉलो करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा वे में, कितने अच्छे वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज में उन लोगों ने आंसर प्रोवाइड किया। ठीक है, साथ ही साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी इसे ले सकते हो। क्योंकि आपको सिर्फ अपना एक्सरसाइज बुक फॉलो करके कुछ नहीं होगा जब तक आपको क्वेश्चन का पैटर्न ही पता नहीं रहेगा। देखो अब पहला क्वेश्चन गिवन है बच्चों, 4x² - 9 = 0 implies x is equal to, मतलब x का आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, 4x² = 9, यहाँ से x स्क्वायर निकालोगे तो 9/4, और यहाँ से x क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस रूट ओवर 9/4। मैंने बोला अभी कि जब भी स्क्वायर हटाएंगे हम, रूट हटा के हम जब रूट लाएंगे तो संग में आपका प्लस माइनस का साइन आएगा, यानी प्लस माइनस 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, x का क्या वैल्यू है, तो देखो जब भी आपका दो टर्म इनटू में जीरो के इक्वल होता है तो चाहे ये भी जीरो हो सकता है या ये भी जीरो हो सकता है, इसका वैल्यू भी जीरो हो सकता है, इसका वैल्यू भी जीरो हो सकता है, या दोनों का वैल्यू जीरो हो सकता है, यानी x माइनस 3 भी जीरो के इक्वल है जहाँ से x का वैल्यू आया बच्चों 3, और x प्लस 5 भी जीरो के इक्वल है जहाँ से x का वैल्यू आया आपका माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी आपको गिवन है, इफ 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 4 जो है वो आपका इस इक्वेशन का रूट है, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या सीखा था कि जो भी इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी 4 जो है बच्चों वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप पुट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस के इंटू 4 माइनस के इज इक्वल टू 0, 16 - 4 + 4k = 0, यहाँ से आ जाएगा बच्चों आपका 12 - -4k, और k का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -3। इज इट क्लियर, सेम टू सेम आपका नंबर डी बनेगा एमसीक्यू का। तो ये आप खुद से करना, सेम वे से है, आपको गिवन है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो बच्चों एक रूट आपको गिवन है x का वैल्यू 2, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना। जब भी आपका रूट गिवन रहेगा वो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप k मतलब जो भी आपका इक्वेशन है उसमें आप उस रूट को रूट की वैल्यू को पुट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको k फाइंड आउट करना, k बोल रही हूँ सॉरी नंबर ई, नेक्स्ट आपको x फाइंड आउट करना है बच्चों, कैसे करेंगे। तो देखो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, वो x² = 7x कर देते हैं, यहाँ से xx काट देते हैं। ये हम कभी भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपका x का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी यहाँ से आपका x का दो वैल्यू आएगा। x का कितना वैल्यू आएगा बच्चों, दो वैल्यू आएगा। तो आपको क्या करना है, पहला तो आप यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये दो
टर्म के फॉर्म में आ गया, दोनों का वैल्यू जीरो है तो दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे, पहला x इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, सात। ठीक है, क्लियर। तो एमसीक्यू वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज। देखो जितने भी सेम पैटर्न के सम रहेंगे मैं सारे नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका डाउट क्लियर होगा। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो बच्चों, क्योंकि इस बार आप क्लास 10 में हो, आपको टाइम टू टाइम नए नए तरीके के क्वेश्चंस वगैरह जो है, प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन, जो भी डाउट है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो भी सैम्पल पेपर मैं करवाऊंगी या मैं सजेस्ट करूंगी, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी, इसलिए बार बार बोल रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। देखो नेक्स्ट है बच्चों, आपको बोला गया है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो पहला तो आपकी जो सलीना की इस बार की न्यू एडिशन आई है बच्चों, उस बुक में वो लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को बहुत कम कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं जो पुराना एडिशन था वही फॉलो कर रही हूँ, कराऊंगी मैं आपको नए वाले के हिसाब से, बट अगर पुराना एडिशन में कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं आपको करवा दूंगी, फॉलो मैं न्यू एडिशन ही करूंगी, न्यू एडिशन के हिसाब से ही आपको सॉल्व कराऊंगी, वरना आपको दिक्कत होगा। बट अगर पुराने एडिशन बुक में, जो पुराना ओल्ड एडिशन था उसका अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इस वाले बुक में मिसिंग लगे तो मैं उसे करवा दूंगी। देखो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। तो क्या रूल होता है, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तभी बोलेंगे जब उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा बच्चों, टू होगा। तो 5x² - 8x = -3, 7 - 2x, ठीक है, 5x² - 8x = -21 प्लस 6x, 5x² - 14x + 21 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ तक सॉल्व करने का दरकार भी नहीं था, यहाँ पे आपका x का हाईएस्ट पावर 2 आया है, देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो नंबर 2, x - 4 3x + 1 = 3x - 1 × x + 2, ठीक है, ये आपका गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो डायरेक्ट मत कर देना सॉल्व करना, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन रहता है जिसमें आगे जाके आपका स्क्वायर वाला टर्म कट जाए। तो यहाँ पे देखो अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x² + x - 12x - 4 = 3x² + 6x - x - 2, तो देखो 3x² 3x² कैंसिल हो गया, मतलब स्क्वायर वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, मतलब ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो सब इसी वे में बनेगा, मैंने दो करा दिया है, बचा हुआ जो एक है वो आप खुद से करना, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, सेम ही वे है, आपको सॉल्व करना है, देखना है कि एक्स का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उससे ज्यादा या उससे कम है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों नंबर 2, नेक्स्ट में आपको बोला है इज एक्स इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपको बोला है एक्स का वैल्यू आपको 5 गिवन है और पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। एक्स का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 5, एक्स इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपसे पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू 5 है क्या वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो मैंने क्या सिखाया था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट्स होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स के जगह में आप 5 पुट करो और देखो कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है कहने का मतलब एक्स का वैल्यू अगर आप 5 पुट करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, 5² - 2 × 5 - 15 = 25 - 10
माइनस 15 25, माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व हो गया ना आपका, x का वैल्यू 5 पुट करने से क्या आया, जीरो आया। यहाँ पे आपको जीरो गिवन था, जीरो आया, LHS RHS की इक्वल आया, मतलब ये इस इक्वेशन का रूट्स है, सॉल्यूशन है, क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सेम टू सेम इसका पार्ट टू है बच्चों, वो आप खुद से करोगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, नंबर 4। अभी 3 का मैंने पार्ट 1 बताया था, पार्ट 2 आप खुद से करो, कि नेक्स्ट में बताऊंगी नंबर 4 क्या है। नंबर 4, इफ रूट ओवर 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x² प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड m। आपको गिवन है कि ये जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, आप m का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कोई भी अगर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2/3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब 2/3 इस इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आप रूट 2/3 पुट कर सकते हो, 3 इंटू रूट अंडर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू रूट ओवर 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस m इंटू रूट ओवर 2/3 प्लस 2। अब देखो 2 प्लस m इंटू रूट ओवर 2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, यानी m इंटू रूट ओवर 2/3 इज इक्वल टू माइनस 4। और यहाँ से अगर आप m फाइंड आउट करोगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो बच्चों डिवाइड में, यानी माइनस 4 रूट ओवर 3/2। ठीक है, अगर चाहो तो आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो, यानी माइनस 4 रूट ओवर 3/2। रैशनलाइज किसे करते हैं बच्चों, डेनोमिनेटर को, तो 2 को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 6 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, बाहर आके 2 काटो, यानी कितना वैल्यू आया आपका, माइनस 2 रूट 6 इज द वैल्यू ऑफ m। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, टू बाय थ्री एंड वन आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपका इक्वेशन का इस बार दो सॉल्यूशन गिवन है, इक्वेशन है बच्चों एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आपका दो सॉल्यूशन गिवन है, पहला सॉल्यूशन है बच्चों 2/3 एंड सेकेंड सॉल्यूशन है बच्चों 1। 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, आपको m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एक बार आपको 2/3 पुट करना होगा और एक बार आपको 1 पुट करना होगा। अगर मैं 2/3 पुट करूंगी बच्चों तो m इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस n इंटू 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। 4m/9 प्लस 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो। 4m प्लस 3 के टेबल में 9, 3 टाइम्स में 3 टू 6n प्लस 9 6 54 इज इक्वल टू 0, यानी 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0, 9 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी पहला इक्वेशन यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू माइनस 54, इसे नेम दे दो इक्वेशन 1। सेम टू सेम हम इक्वेशन 2 फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों 1, तो m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 6 इज द
सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इसे सॉल्व करना है, जो हमने क्लास 9 में सिखा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तीन मेथड, उसे सॉल्व करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को बराबर करो, चाहे एम के चाहे एन के, तो मैं एम के ही इक्वल कर लेती हूँ। एम का वेरिएबल कोफिशियंट यहाँ 4 है और यहाँ एम का कोफिशियंट 1 है, तो इसे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 4 से। यानी पहला इक्वेशन है आपका 4m प्लस 6n इज इक्वल टू माइनस 54, और जब हमने इसे 4 से इंटू किया तो ये बन गया आपका 4m प्लस 4n इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस माइनस प्लस साइन चेंज किया हमने, ये कट गया, 2n इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर 30। तो n का वैल्यू आ गया बच्चों माइनस 15। अब n का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, m प्लस n इज इक्वल टू था आपका माइनस 6, m माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6, m इज इक्वल टू 15 माइनस 6, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 9। तो m आ गया 9 और n आ गया माइनस 15। इज इट क्लियर? इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जो कि प्रीवियस वाले बुक से है, प्रीवियस ईयर वाले बुक से, वो आप खुद से करना, सेम वे का क्वेश्चन है, तो ये आप करना, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3 and -3 आर द सल्यूशन ऑफ ax² प्लस bx - 9 इज इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी। सेम टू बच्चों, इसमें आपको एम एन निकालना था, इसमें ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो ये आप करोगे और जो भी डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। अब हम करते हैं इसका सेकेंड एक्सरसाइज, क्योंकि एक ही वीडियो में बच्चों मैं थोड़ा लंबा करके आपको मोस्टली 3-4 एक्सरसाइज करा दूंगी, छोटे छोटे बार बार बनाने से बेटर है कि एक ही वीडियो में हम लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म कर लें। तो अब करेंगे बच्चों हमारा सेकेंड एक्सरसाइज 5B, जिसके सारे MCQ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x - 7। आपको बोला है इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करो, मतलब इसे सॉल्व करो। और हमने क्या सीखा था, सॉल्व हम कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज करके। तो MCQ है, आपको मेंशन नहीं, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो फैक्टराइज ही करते हैं, कैसे करते हैं मीडियम फैक्टर, तो बताया है मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट में, अगर स्किप किया है तो जा करके देख लो। स्क्वायर के सामने वाला नंबर है बच्चों 1 और कांस्टेंट टर्म है -7, मल्टीप्लाई करोगे तो -7। यानी ऐसा दो नंबर आपको चूज करना है जिसको माइनस करने से 6 आ जाए और इंटू करने से 7, तो वो क्या होगा, 7 and 1। x² - 6 की जगह में हम लिखेंगे 7 - 1, x - 7 इज इक्वल टू 0। x² - 7x + 1 x - 7 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो x - 7, इसमें कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो बच्चों क्या लेंगे, 1। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका x - 7, x - 7 सेकेंड ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी x का एक वैल्यू होगा 7 और सेकेंड होगा -1, ठीक है? सेकेंड भी आपको वही है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है बच्चों नंबर बी में। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो x से, तो ये आएगा आपका x² + 8x + 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है? x से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद मिडिल टर्म फैक्टर करना, सेम नंबर ए के जैसा है, कोई भी डाउट होगा नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, क्योंकि सेम पैटर्न के सारे एग्जाम्स करा के कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होना है। नंबर सी देखो, MCQ का नंबर सी, आपको क्या बोला है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट आपको गिवन है 2, आपको बोला है पी का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने क्या सीखा था कि जो भी इक्वेशन का रूट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह आप 2 पुट कर सकते हो। 2² + 2 + p = 0, p - 3 × 4, 2² कितना होगा बच्चों 4, + 2 + p = 0, 4p - 12 + 2 + p = 0, 5p - 10 = 0, यहां से p कितना आ जाएगा बच्चों 2, क्लियर?
नेक्स्ट है नंबर डी, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2.5, यू हैव टू फाइंड x. कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो. आपको गिवन है x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2.5. एलसीएम ले लो, x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2.5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2.5. एक्स यहाँ पे लाओगे तो x स्क्वायर माइनस 2.5x प्लस वन इज इक्वल टू 0. इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो स्क्वायर के सामने वाला नंबर यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है. मतलब ऐसा दो नंबर बच्चों आपको सोचना जिसको इंटू करने से 1 आ जाए. ठीक है, तो ऐसा दो नंबर जिसको इंटू करने से 1 आ जाए, वो ऑब्वियस सा बात है आपका किस फॉर्म में होगा. एक नंबर नॉर्मल होगा, जैसे कि मान लो ए और 1/a इस फॉर्म में होगा ना. एक जो नंबर आपका रहेगा उसी का फ्रैक्शन रहेगा. जो नंबर पहला नंबर जो होगा सेकेंड, वही नंबर फ्रैक्शन में होगा, तभी तो कट करके इंटू होके 1 आएगा. और उन दोनों को प्लस करने से बच्चों क्या आना चाहिए, 2.5. तो अगर आप 2 एंड 1/2 को इंटू करो तो देखो आपको क्या है, ऐसा दो नंबर लेना है जिसको जोड़ने से 2.5 आ जाए और इंटू करने से कितना आ जाए बच्चों, 1 आ जाए. तो 2 और 1/2 को अगर आप इंटू करोगे तो देखो 1 आता है, और अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये 5/2, दैट मीन्स 2.5. ठीक है, तो आपको 1 लाना ना, मतलब ऐसा नंबर लेना है, वो नंबर सेम ही होना चाहिए, एक फ्रैक्शन में होगा और एक बिना फ्रैक्शन में. यानी इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 2, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे. तो देखो आपको जब भी आप कॉमन लो तो पहला टर्म और सेकेंड टर्म आपका सेम आना चाहिए. अगर इधर आपका x माइनस 2 आ रहा है तो उधर भी आपका x माइनस 2 आना चाहिए, यानी सामने का हाफ आपको हटाना है बच्चों. 1 को आप 2/2 नहीं लिख सकते, 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2/2, क्योंकि कट करूँगी तो 1 आ जाएगा. 1 को मैंने क्या लिख दिया, 2/2. अब देखो इससे मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, हाफ कॉमन ले सकती हूँ. हाफ आपका यहाँ पे भी है और हाफ मेरा यहाँ पे भी, और सामने माइनस है तो मैंने माइनस हाफ कॉमन ले लिया. अगर मैंने माइनस हाफ कॉमन लिया बच्चों तो आपका बचा यहाँ x, और देखो यहाँ से मैंने हाफ नीचे का 2 कॉमन लिया, ऊपर का 2 बचेगा, यानी यहाँ बचेगा आपका माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 का भी वैल्यू 0 है और x माइनस 1/2 का भी वैल्यू 0 है. यहाँ से x का आपका दो वैल्यू आ गया, 2 एंड 1/2. इज इट क्लियर? तो देखो लास्ट ई नंबर क्या है, 2x प्लस 5/x इज इक्वल टू 5. अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5x. एलसीएम ले लिया मैंने, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो अगर आपसे मिडिल टर्म फैक्टर इजली नहीं हो तो आपको क्या यूज़ करना है बच्चों, श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था. क्या था फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जहाँ पे a है आपका 2, b है आपका बच्चों माइनस 5 और c है आपका 5. तो माइनस बी यानी 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a इंटू सी बाई 2a यानी 4. 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 5 4 20, 20 इंटू 2 40/4. तो देखो ये वाला आपका नेगेटिव में आएगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आएगा, मतलब जो ये रूट्स आएंगे बच्चों वो आपके अनरियल होंगे. इसमें आपका ऑप्शन गिवन था बच्चों, x का वैल्यू या तो 0 नहीं होगा, फिर था x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1 एंड एक और था ना, क्या था ऑप्शन, ऑप्शन था बच्चों x इज इक्वल टू कहाँ गया, 5b, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 एंड x नॉट इज इक्वल टू 0. तो ये आपका क्या होगा, x 0 के इक्वल नहीं है, x का वैल्यू जो है वो पहला वैल्यू होगा 5 प्लस रूट ओवर माइनस
15 बाई 4 सेकेंड होगा 5 माइनस रूट ओवर माइनस 15 बाई 4, मतलब इमेजिनरी नंबर अनरियल रूट्स होंगे जो कि 0 के इक्वल नहीं होंगे, ना 5 है ना 1 है ना 2 है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हो गए मेरे सारे MCQ, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो करो फैक्टराइज, कांस्टेंट टर्म है आपका 24 है और स्क्वायर के सामने वाला टर्म है बच्चों 1, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24, यानी ऐसा दो नंबर जिसे इनटू करने से आपका 24 आना चाहिए, और साइन किसका है बच्चों माइनस का, है ना। स्क्वायर के सामने वाला नंबर है प्लस 1 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 24, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24, साइन आपका इसका देखना है इनटू करने के बाद जो आया उसका, यानी ऐसा दो नंबर जिसको माइनस करो तो 10 आ जाए और इनटू करो तो 24 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे 12 एंड 2, 12 में से मैं 2 माइनस करूंगी तो 24 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगी तो 24 आ जाएगा, 12 माइनस 2 पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, कॉमन लो, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया और यहाँ से बच्चों मैंने 2 कॉमन लिया, यानी x प्लस 2 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को अगर आप 0 के इक्वल करोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा आपका 12 और एक आएगा बच्चों माइनस 2। क्लियर। नंबर 3 देखो, ब्लू वाला ले लेती हूँ। नंबर 3 क्या है, बहुत इजी है ये तो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से x निकालोगे, कभी भी आप रूट चढ़ाओगे प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि x का आपका दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है, 3 बोरियो सॉरी 4 3 तो अभी कराया मैंने, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 0। कभी भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में रहे, कभी भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में रहे बच्चों, तो आपको एलसीएम लेना है। 4x स्क्वायर माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। अब 2 को इस तरफ भेज दोगे तो 4x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब ऐसा रहा तो क्या करोगे, x को इधर भेज करके कट मत कर देना, कभी भी ऐसा रहे तो आपको कॉमन लेना है। इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, तो x कॉमन लिया मैंने, तो पहला x कॉमन लिया तो यहाँ बचा मेरा 4x और यहाँ बचा मेरा 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म जो है बच्चों आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा आपका, एक वैल्यू आया 0 और सेकेंड वैल्यू आया आपका 1/4। ठीक है, समझ में आई बात। तो नंबर 4 किया हमने, नेक्स्ट देखो नंबर 5। भरोसा है जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है हारा हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है मेरी माझी बन जा मेरी नाव चला जा। देखो मैंने 6-7 एक ही बार में क्वेश्चन लिख लिया। अब आपका इस फॉर्म में तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप इसे इस फॉर्मूले में ब्रेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 49। 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 3 12x प्लस 9
-49 = 0, 4x² - 12x - 40 = 0। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ तीनों में से 4 कॉमन चला जाएगा, तो कॉमन ले लो, आपका इक्वेशन और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो x² - 3x - 10 = 0, ठीक है, 4 मैंने कॉमन लिया और इस तरफ भेज दिया, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 बन गया। अब इसे ब्रेक करो बच्चों, तो आपको ऐसा दो नंबर चूज करना है। देखो स्क्वायर के सामने वाला नंबर है 1 और कांस्टेंट टर्म है -10, मल्टीप्लाई करोगे तो -10 साइन आया माइनस का। ऐसा दो नंबर, माइनस करने से 3 आए, इंटू करने से 10, 5 × x² - 5 - 2x - 10, x² - 5x + 2x - 10 = 0। यहाँ से x कॉमन लोगे x - 5, यहाँ से 2 कॉमन लोगे x - 5 = 0। यानी आपका दो टर्म बना, एक बना x - 5, सेकेंड बना बच्चों x + 2, दोनों ही 0 के इक्वल है। x का वैल्यू आएगा आपका एक 5, अगर इसे 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू आएगा 5, और इसे 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू आएगा बच्चों मेरा -2। इज इट क्लियर? ये वाला कैसे करेंगे बच्चों? तो दोनों तरफ ही आप मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन को इजी करोगे, उसके बाद फिर हम इसे मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो चलो करते हैं, 2x² + 8x + 2x + 8, इधर कितना आएगा बच्चों? x² + 3x + 7x + 21, 2x² + 10x + 8 = x² + 10x + 21। इधर ले आओ, 2x² में से x² माइनस हुआ, कितना आएगा बच्चों? x², 10x और 10x आपका कैंसिल हो गया, +8 - 21 = 0। यानी x² प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर, 11 में से 8 माइनस होगा ये 13, यानी x² का वैल्यू कितना आया बच्चों आपका? 13, यानी x² = 13, x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों +/√13। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये क्या था हमने, नंबर 7। नेक्स्ट देखो नंबर 8 क्या है, नंबर 8 बता देती हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में, 3x - 2 / 2x - 3 = 3x - 8 / x + 4। कभी भी ऐसा रहे बच्चों तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3x - 2 / x + 4 = 3x - 8 / 2x - 3। सेम टू सेम ये आपका नंबर 7 के जैसा हो गया, जैसा मैंने अभी नंबर 7 कराया था इसी वे में था। हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन को थोड़ा इजी किया था, मतलब सॉल्व किया था, और फिर ब्रेक कर दिया था, फैक्टराइज कर दिया था। तो सेम वे का, सेम पैटर्न का आप इसे होमवर्क में करोगे, जो भी डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। नंबर 9 देखो, 2x² - 9x + 10 = 0। आपको बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, कैसे करेंगे? तो चलो फैक्टराइज करते हैं। तो स्क्वायर के सामने वाला नंबर 2 है एंड 10 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 20, यानी और आर एफ प्लस का साइन, ऐसा दो नंबर जिसको प्लस करो तो 9 आए और इंटू करो तो 20 आए। 5 और 4 को प्लस करोगे तो 9 आता है, इंटू करोगे तो 20 आता है। 2x² - 5 + 4x + 10 = 0, 2x² - 5x - 4x + 10 = 0। कॉमन लो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? x, 2x - 5, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया -2, तो यहाँ भी हो गया बच्चों x - 2x - 5। कभी भी माइनस कॉमन लोगे साइन चेंज हो जाएगा, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। 2x - 5 सेकेंड ब्रैकेट में होगा आपका x - 2, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। 2x - 5 0 है बच्चों, तो यहाँ से x आएगा आपका 5/2। x - 2 बच्चों आपका 0 है, तो x आएगा आपका 2। तो जब भी x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो x का वैल्यू 2 होगा, और x अगर रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा बच्चों तो x का वैल्यू दोनों ही होगा, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर, हर एक इंटीजर, हर एक रैशनल नंबर, मतलब हर एक नेचुरल नंबर और हर एक इंटीजर, हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो x का वैल्यू आप सिर्फ 2 लोगे, और x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर तो x का वैल्यू आप दोनों लोगे, ठीक है?
नंबर 17 भी सेम आपका वही फ्रैक्शन के जैसा ही है, बता देती हूँ। 17 बोल रही, सॉरी नंबर 10, मेरा ओल्ड बुक है ना इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा। क्या है नंबर 10? x माइनस 3 बाय एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 बाय एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1 बाय एलसीएम लो। x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस 3 से डिवाइड करोगे x प्लस 3 कट गया, x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम जब x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो देखो माइनस वाला टर्म कट गया, प्लस वाला बचा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 1 5 बाय 2। फॉर्मूला में ब्रेक करो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे भी फॉर्मूला में ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे भी आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 2। देखो ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर, 9 प्लस 9 हो गया आपका 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5 बाय 2। क्लियर? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करूं तो हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर, अच्छा इधर ही कर देती हूँ मैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 9 5 45। 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 45 माइनस 36। सॉल्व करो इसे कितना आएगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81। माइनस 81 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 81 और x का वैल्यू आ गया बच्चों प्लस माइनस 9। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 11 क्या है। नंबर 11 एंड 12 सेम पैटर्न का है, तो मैं नंबर 11 बताऊंगी, नंबर 12 लोग खुद से करना और जो भी डाउट होगा उसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। क्या है देखो नंबर 11, 4 बाय एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बाय 2x प्लस 1 इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना बच्चों, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लो एलसीएम, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। अब जब एक्स प्लस 2 से इसे डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस 2 कट गया, क्या बचेगा, एक्स प्लस 3। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 12, फिर माइनस, जब एक्स प्लस 3 से इसे डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म आपका बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी एक्स प्लस 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 बाय 2x प्लस 1। ब्रैकेट खोलो, 4x प्लस 12 माइनस एक्स माइनस 2, इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 बाय 2x प्लस 1। देखो ऊपर कितना आ रहा है, तो ऊपर मेरा आ रहा है 3x प्लस 10, है ना, 3x प्लस 10 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 बाय 2x प्लस 1। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, कभी भी आपका फ्रैक्शन में रहे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3x प्लस 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 5 20x प्लस 4 6 24। चलो सॉल्व करते, तो 20x आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 6x स्क्वायर इसे इधर लेकर के आओगे तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस होगा, बचेगा बच्चों आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 24 इस तरफ आएगा तो माइनस करोगे तो 14 इज इक्वल टू 0। चलो मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशियंट है आपका 2 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 14, माइनस 14 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 28। मतलब ऐसा दो नंबर जिसको इंटू करने से 28 आना चाहिए बच्चों और माइनस करने से 3, तो हो जाएगा आपका 7 एंड 4। 7 माइनस 4 एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0,
2x² + 7x - 4x - 14 = 0। कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया मैंने 2x + 7, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया मैंने, तो x 2x + 7 = 0। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा आपका 2x + 7, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा बच्चों x - 2 = 0। यहाँ से x का दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करोगे तो फर्स्ट x का वैल्यू आएगा आपका -7/2 एंड सेकेंड x का वैल्यू आएगा आपका 2। ठीक है, इज इट क्लियर? ये कराया था मैंने नंबर 11। नंबर 12 एकदम सेम पैटर्न का है, इसी तरीके से आपको एलसीएम लेना बच्चों, तो ये आप खुद से करोगे। और अगर कोई डाउट होगा, नहीं बनेगा, तो टेलीग्राम है, बार बार बोल रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट मैं बताती हूँ नंबर 20। नंबर 20 भी उसी वे का है, बट फिर भी देखो 20 बोल रही हूँ, सॉरी। ये किया था हमने, कितना नंबर किया था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा 11 किया था ना, तो 12 तो सेम पैटर्न का ही आप खुद से करोगे। नेक्स्ट मैं बताती हूँ नंबर 13। देखो 1 + 1/x + 1 - 1/x + 1 = 7/8। सेम टू सेम उसी वे में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, x + 1 + 1/x + 1। इधर भी एलसीएम ले लो तो नीचे आएगा आपका x - 1 - 1। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों x + 2, इधर हो गया आपका x - 2, नीचे हो गया बच्चों x + 1, और इस तरफ हो गया आपका x - 1 = 7/8 = 7/8। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, a + b (a - b), नीचे भी देखो a + b (a - b), तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, नीचे भी x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1 = 7/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 8x² - 8 4 32 = 7x² - 7। x² = 32 - 7, x² = 25, यहाँ से x निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों +-5। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 15 क्या है, आपको गिवन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज, मतलब इस बार आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करके गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। जैसे कि मुझे गिवन है सॉल्यूशन सेट है बच्चों 3, 5, मतलब x का जो दो वैल्यू आता था बच्चों वो आपको गिवन है। हर बार आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता था और सॉल्यूशन निकालना पड़ता था, इस बार मुझे सॉल्यूशन गिवन है, मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको x का दो वैल्यू गिवन है बच्चों, एक 3 और एक गिवन है x = 5। यानी अगर मैं 3 को इस तरफ लेकर के जाऊँ तो x - 3 भी 0 के इक्वल होगा और x - 5 भी आपका 0 के इक्वल होगा। क्लियर? अब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो x - 3 and x - 5 both are = 0। बस अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या कहलाएगा बच्चों, ये भी आपका इस इक्वेशन का रूट है और ये भी आपका इस इक्वेशन का रूट है, मल्टीप्लाई करो, देखो आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, x² - 5x - 3x + 15 = 0, x² - 8x + 15 = 0। ठीक है, अगर फिर से अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे तो आपको x का यही दोनों वैल्यू मिलेगा। तो 15 का पार्ट 1 मैंने कर दिया है, पार्ट 2 आप खुद से करना। नेक्स्ट देखो नंबर 16 क्या है, सॉल्व x/3 + 3 (6 - x) = 2 (6 + x) = 15। ये आपको गिवन है, आपको इसे सॉल्व करना है। दो इक्वेशन है इसमें, 16 में आपका दो क्वेश्चन है, दोनों में ही आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 मैं कर दे रही हूँ, पार्ट 2 आप खुद से करोगे। तो क्या करेंगे बच्चों, कभी भी ऐसा रहेगा आपको एलसीएम लेना है, ले लो एलसीएम, x * 6 - x + 6 - x से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 3 * 3 = 9 = 15, 2 * 6 + x। देखो कभी भी आपका कैंसल हो तो आप कर सकते हो, 3 * 1 = 3, 3 * 5 = 15, 6x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाय सिक्स माइनस एक्स। मैं सिक्स माइनस एक्स को उधर भेज देती हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स प्लस एक्स इंटू सिक्स माइनस एक्स बाय फाइव। देखो इधर आएगा तो सिक्स फाइव से थर्टी एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। बच्चों ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, थर्टी एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी टू माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको इस तरफ लेकर के आओ। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 30x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। माइनस करो तो ये आएगा बच्चों आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 12 में से 5 माइनस करोगे 7, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब मिडिल टर्म फैक्टर करना इजली आप कर लोगे। तो ये मिडिल टर्म फैक्टर करना और x का दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना, और अगर कोई भी डाउट होगा, नहीं बनेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नेक्स्ट देखो नंबर 16 क्या था ना मैंने, अब देखेंगे हम नंबर 17 क्या है। नंबर 17 देखो 17 एंड 18 बिल्कुल सेम वे का सम है, एकदम सेम पैटर्न का। तो मैं 17 से बेटर नंबर 18 बता देती हूँ, 17 आप खुद से करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, b प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 12x स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस b इज द क्वेश्चन। ठीक है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आप यहाँ से a और b कैलकुलेट कर सकते हो। a क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस 7 एंड b क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस 10। बस a एंड b का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू माइनस 7 माइनस b का वैल्यू हो गया आपका माइनस 10। x इंटू माइनस 7, a का वैल्यू आपका माइनस 7 है ना। 12x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 10, 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बस अब आपको क्या करना है बच्चों, मिडिल टर्म फैक्टर। तो अगर 12 एंड 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, यानी आपको ऐसा दो नंबर सोचना है बच्चों जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 120 आए और माइनस करने से आपका 7 है। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो, 2 के टेबल में 60 टाइम में, 2 के टेबल में 30 टाइम्स में, 2 के टेबल में बच्चों 15 टाइम्स में, 3 के टेबल में आपका 5 टाइम्स में। 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 15 माइनस 8, देखो 15 में से 8 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, और 15 एंड 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी बड़ा नंबर आए जिसको आप इजिली नहीं सॉल्व कर पाओ तो उसे आप ब्रेक कर देना। तो ये किया था हमने नंबर 18। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नंबर 19। तो कोई आता ही है। यूज द सब्स्टिट्यूशन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y टू सॉल्व x इफ 4 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आपको क्या बोल रहा है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट इसमें 2x प्लस 3 के जगह आपको y सब्स्टिट्यूट करना है ना। 2x प्लस 3 के जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, y। तो बस सिंपल है, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 4 ज़ा 56, यानी एंड
देखो स्क्वायर के सामने वाला नंबर है 4 और कॉन्स्टेंट टर्म है -14, मल्टीप्लाई करोगे तो -56, यानी आपको ऐसा दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 56 आए, माइनस करने से 1 आए, 8 and 7, 8 - 7 y - 14 इज इक्वल टू 0, 4y² - 8y + 7y - 14 इज इक्वल टू 0, कैरी ले लो 4y, y - 2, यहाँ से 7 कैरी ले लो, y - 2 इज इक्वल टू 0, y - 2 इज इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड 4y + 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दो हो गया। अब देखो आपको फाइंड x करना था, फाइंड मुझे क्या करना है बच्चों, x करना है। पहले आप यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, y का पहला वैल्यू आएगा 2 एंड y का सेकेंड वैल्यू आएगा बच्चों -7/4, बट आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, x फाइंड आउट करना है। y किसके इक्वल है, 2x + 3 के इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ 2x + 3 इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 3 इज ऑल्सो इक्वल टू -7/4, बस इन दोनों को सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये करना और कमेंट सेक्शन में बताना क्या आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा नंबर 19, क्या है नंबर 19, if x is not equal to 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, सॉल्व x / a - a + b / x इज इक्वल टू b (a + b) / ax, ये आपका क्वेश्चन है, मतलब इसका जो सल्यूशन आएगा बच्चों वो ए बी के टर्म में आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा ax, ए से जब ए को डिवाइड करोगे एक्स बचेगा बच्चों x² एक्स से जब डिवाइड करोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा आपका a + b इज इक्वल टू b (a + b) / ax, ax क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x² - a² - ab इज इक्वल टू ab + b² यानी अगर x² फाइंड आउट करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को भी मैं इधर भेज देती हूँ, a² + ab + ab + b², यानी x² का वैल्यू आ गया बच्चों a + b² होल स्क्वायर, है ना, ये देखो फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों a + b² होल स्क्वायर। और हमने क्या सीखा, जब भी स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ आपका क्या आएगा बच्चों रूट, बट आपको संग में प्लस माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा, यानी x का दो वैल्यू होगा, एक प्लस a प्लस बी एंड एक माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज का हमारा लास्ट सम, सम नंबर 20। मैं एक ही वीडियो में ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा दूंगी, इसलिए वीडियो लेंथी होगा, बट आपका एक ही वीडियो में ये सारा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। क्या है देखो नंबर 20, एंड अगर आपको सम सारे सम्स का वीडियो चाहिए बच्चों तो वीडियो तो लेंथी हो गई। ये है मेरा क्वेश्चन, क्या करें हम, तो चलो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 1200 + 2x (x - 10) - 1200 इज इक्वल टू 60, ठीक है। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लो बच्चों तो ये आपका कितना आ जाएगा, 600 + x, ऐसे कोई फायदा नहीं होने जाना है, एलसीएम ही ले लेते हैं हम, देखो कॉमन लेके कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, फिर से हम बच्चों हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ कितना आएगा, ऊपर में तो आपका 1200 + 2x, इस टर्म ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दो, x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1200x + x से 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x², फिर 10 से जब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 - 20x,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला टर्म आपका सॉल्व हो गया। आप जब 1 से x को डिवाइड करोगे तो x आएगा x मल्टीप्लाइड बाय 1200x इज इक्वल टू 60। तो देखो ये टर्म और ये टर्म आपका क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट हो गया। यहाँ से आया आपका 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12000 इज इक्वल टू 60x। इसे भी इधर ले आओ बच्चों, तो 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 12000 इज इक्वल टू 0। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बच्चों, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपका 6000 आएगा, एंड माइनस करने से बच्चों आपका 40 आएगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो आपको इसको क्या करना है बच्चों, ब्रेक करना है। देखो हो गया, 10 से करोगे 100 बार में, 10 से करोगे 10 बार में, 10 से करोगे 1 बार में। 10 इंटू 10 हो गया आपका 100, एंड 3 टू 6, 6 इंटू 10 हो गया आपका 60। 100 में से 60 माइनस करोगे आ जाएगा आपका 40, एंड 100 और 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 6000। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, बड़े नंबर को आप ब्रेक ना कर पाओ, तो इस तरीके से आप फैक्टराइज कर लेना, आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट कर लेना। ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से 6000 आए एंड माइनस करने से 40 आए तो क्या होगा बच्चों, 160। ठीक है, तो 40 की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 60, और इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एक्सरसाइज 5 भी फिनिश होता है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट एंड श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 5C का MCQ, पहला MCQ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 1 डेसिमल। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि मैं इसे मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करूं तो ये आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे बच्चों, तो आपको ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने से आपका 2 आए और प्लस करने से आपका 3 आ जाए, तो बहुत डिफिकल्ट है। जब भी ऐसा रहे, आपको मेंशन भी ना रहे कि फार्मूला यूज करो, बट आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आप श्रीधर आचार्य फार्मूला यूज कर देना। तो क्या था बच्चों श्रीधर आचार्य फार्मूला, तो एक्स का आपका 2 रूट होगा। पहला रूट होगा, मैं दोनों रूट को पहले एक ही बार में लिखती हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस लिए आया, कैसे डिस्क्राइब हुआ, सब मैंने स्टार्टिंग के इंट्रो पार्ट में बताया है। तो जिस भी बच्चे ने स्किप किया होगा उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। वैल्यू पुट करो बच्चों, यहाँ से आपका मैं लिख लेती हूँ, a है आपका x स्क्वायर के सामने वाली कोफिशियंट को हम a कहते हैं, x के सामने वाले कोफिशियंट को बच्चों b, और कॉन्स्टेंट टर्म को किसे डिनोट करते हैं, c से। तो आप यहाँ पे पहले a b c का वैल्यू लिख लो, बस अब पुट कर दो। तो माइनस b यानी माइनस माइनस 3 हो जाएगा आपका प्लस 3, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c बाय 2a यानी 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर, देखो 9 में से 8 माइनस करोगे 1, तो यहाँ से बच्चों x का आपका 2 वैल्यू आएगा। पहला आएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2, और सेकेंड होगा 3 माइनस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 एंड सेकेंड हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 2 यानी 4 बाई 2, और 2 बाई 2, 4 बाई 2 को सॉल्व करोगे तो 2 एंड 2 बाई 2 को सॉल्व करोगे तो 1। बट आपको बोला करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद दोनों में 0 पुट कर दो क्योंकि आपका पॉइंट में आंसर नहीं आया है। ठीक है, सेम टू सेम देखो सारे MCQ जो सेम पैटर्न के, तो मैं सारा नहीं करा रही हूँ क्योंकि सेम पैटर्न के सम को बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो इसका MCQ नंबर B था वो वाला मैंने नहीं कराया, उसमें भी आपको सेम इसी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना है और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट में आंसर फाइंड आउट करना था। तो वो आप खुद से करना, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नेक्स्ट मैं बताती हूँ नंबर C। नंबर C क्या है बच्चों,
इसमें भी आपको वैसे ही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है इसके लिए। तो आपको क्या करना होगा, सीधे-सीधे फॉर्मूला यूज करना होगा। ए है मेरा 1, बी है मेरा माइनस 8, सी है मेरा माइनस 9। पुट करो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a, यानी 8 प्लस रूट ओवर 8 का स्क्वायर हो गया 64, माइनस माइनस प्लस 9 4 36 बाई 2, एंड सेकेंड हो जाएगा आपका 8 माइनस रूट ओवर 64 प्लस 36 बाई 2। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 64 प्लस 36 होता है 100, बाहर आके आ जाएगा आपका 10, यानी 8 प्लस 10 बाई 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 10 बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 18 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 बाई 2, सॉल्व करोगे तो 9, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस 1। देखो आपको बोला है वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, आंसर में सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। बट अगर सपोज करो, ये दोनों में आपको बहुत कंफ्यूजन है, सपोज करो अगर आपका गिवन रहता क्वेश्चन करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में गिवन रहे करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस मतलब 2.34, इसे हम कहेंगे, मैं एक एग्जांपल लिया मैंने, इसे हम कहेंगे बच्चों करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद आपका दो डिजिट होना चाहिए। बट यहीं पर अगर आपका रहता टू सिग्निफिकेंट फिगर कहने का मतलब आपको सब डिजिट को गिनना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर बोलेगा मतलब दोनों को मिलाकर के आपका दो डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के बाद वाले को आप सिर्फ नहीं गिनोगे, पॉइंट के पहले वाले को भी गिनोगे, क्लियर। तो इसमें आपको बोला था वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपका देखो आंसर आ गया है, ये भी एक डिजिट है, ये भी आपका एक डिजिट है, क्लियर। तो ये किया था मैंने, मैंने कौन सा किया, नंबर सी किया ना बच्चों, नंबर सी किया। नंबर डी ई एम सी क्यू भी सेम पैटर्न का है, तो आप करना, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज ही बच्चों ऐसा है, सेम आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है और आंसर फाइंड आउट करना है, तो सारे सम्स जो एक ही वे के हैं सेम पैटर्न के, वो बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखो नंबर टू, नंबर टू क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट आपका होना चाहिए। तो दो है इसका, मैं एक ही बताऊंगी, 5x² प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉल्व करो। तो ए है आपका 5, बी है आपका 10, सी है आपका माइनस 3, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a, क्लियर। यानी पहला रूट हो जाएगा बच्चों माइनस 10 प्लस रूट ओवर 100 माइनस माइनस प्लस 4 5 20 20 इंटू 3 60, 5 3 15 15 4 60, ठीक है, बाय 5 into 2 10, और सेकेंड रूट हो जाएगा बच्चों आपका माइनस 10 माइनस रूट अंडर 100 प्लस 60 बाय 10, यहां से ये 10 मत कट कर देना, माइनस 10 प्लस रूट ओवर 160 बाय 10, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 10 माइनस रूट ओवर 160 बाय 10। अब देखो 160 तो आपका रूट के बाहर नहीं निकलेगा, तो जितना डिजिट आपका रूट के बाहर निकल रहा है उसे रूट के बाहर निकाल लो। 160 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 2 से बच्चों 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, आपका देखो 4 बाहर आ जाएगा, है ना, यानी माइनस 10 प्लस 4 root 10 बाय 10, एक हो जाएगा आपका माइनस 10 माइनस 4 root 10 बाय 10। रूट 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, एटलीस्ट रूट 10 तक आप लर्न कर लो, जैसे रूट 2 होता है आपका 1.414, रूट 3 होता है बच्चों
2.732। तो इस तरीके से एटलीस्ट आप रूट 10 तक लर्न कर लो। तो रूट 10 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, तो पुट कर लेना। ये किया था हमने नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 3। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। सेम टू सेम आपको वही करना है बच्चों। मैंने बोला कि पूरे एक्सरसाइज में आपका वही है, आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसका पार्ट 2 बता रही हूँ। 4x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x बाय x इज इक्वल टू 0, यानी 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस आपका ए बी सी आ गया है। ए है मेरा 4, बी है बच्चों 13, सी है बच्चों 6। पुट कर लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a, 2 इंटू 4, यानी माइनस 13 प्लस माइनस रूट ओवर 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 169। ये मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 16 6 96 डिवाइडेड बाय 8, माइनस 13 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस करो बच्चों, तो 9 में से 6 माइनस करोगे 3 एंड 16 में से 9 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 7। देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपका सारा रूट वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आपने क्लास 8 में सीखा था कि ऐसा रूट, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते, तो उसे हम डिवीजन मेथड से कैसे करते थे। जैसे 73 को आपको नहीं आता कि आप 73 को कैसे रूट के बाहर निकालोगे, तो आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी 73 के बाद बच्चों हम पॉइंट लगा करके ऐसे पेयर बनाएंगे और डिवीजन मेथड से जैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे वैसे आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना। अगर किसी को नहीं आता तो मैं एक प्रोसेस बता देती हूँ, उसके बाद से आप खुद से करना। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। अब आपको 73 को रूट के बाहर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, 73 पॉइंट लगा के एक पेयर, ये पॉइंट लगा करके दो पेयर। चलो अब रूट वाला डिवीजन करते हैं, हमने क्लास 8 में सीखा है और इस पर डिटेल में मेरे चैनल में वीडियो भी अवेलेबल है। तो सोचो आपको रूट से डिवाइड करना है ना, 8 8 64, क्योंकि 9 9 जा फिर मेरा 81 हो जाता है, तो 8 8 जा हम क्या ले लेंगे बच्चों, 64। 13 में से 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 9। ठीक है, अब इसे डबल करो, ये हो गया आपका 16। पॉइंट लगा के बच्चों 0 0। अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, अगर मैं यहाँ पे 7 डालूँ तो 7 से अगर करूँ तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 6 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 डालती हूँ। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, 5 1 ज़ा 5 6 7 8, यानी मैंने यहाँ 5 डाला है और 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 825। 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, ये कैंसिल आउट हो गया। लास्ट डिजिट को हमेशा हम डबल करते हैं। ये प्रोसेस डिटेल में बच्चों, मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, डिटेल में ये डिवीजन जो है वो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के सीख सकते हैं। क्योंकि अब जो छोटे क्लास की चीज़ें आप सीख करके आ चुके हो, फिर से तो मैं रिपीट कर नहीं सकती। फिर से बच्चों नेक्स्ट पेयर आपको उतर जाएगा 0 0। अब सोचो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, 1 7 0 ना, अगर मैं 4 डाल के 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 1 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6। ठीक है, 4 डाल के हमने 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो कितना आया है आपका 6 8 1 6। माइनस करो, 10 में से 6 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आया 9, 9 में से 1 माइनस करोगे 8, ये आया आपका
14 में से 8 माइनस करोगे 6, ठीक है, यानी 8.54, तो लिख दो माइनस 13 प्लस 8.54 डिवाइडेड बाय 8, एक हो जाएगा माइनस 13 माइनस 8.54 डिवाइडेड बाय 8, ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 4, इसमें आपको बोला गया है बच्चों करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, इसका भी मैं कोई एक ही बताऊंगी, तो नंबर 2 बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पार्ट 2, 16x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ए है आपका 1, बी है आपका माइनस 16, सी है बच्चों आपका 6, ठीक है, पुट करो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a, 16 प्लस माइनस रूट ओवर 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256 माइनस 6 4 24 डिवाइडेड बाय 12, यानी पहला रूट आ गया बच्चों 16, ये माइनस करो 6 में से 4 माइनस करोगे आएगा आपका 2, 5 में से 2 माइनस करोगे आएगा आपका 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 16। देखो रूट से बाहर निकालना ही थोड़ा ट्रिकी है, कैसे निकालोगे तो अभी मैंने आपको बताया, आपको बोला है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू कितना प्लेसेस बोला है बच्चों 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप क्या करोगे आपको किससे ब्रेक करना है 232 का ना, तो पॉइंट लगा के 0000, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, रूट वाले डिवीजन कैसे करते हो बच्चों, दो दो का हम पेयर बनाते हैं और रूट से ही डिवाइड करते हैं, जैसे 1 1 ज़ 1, 2 2 ज़ 4, 3 3 ज़ 9, 4 4 ज़ 16, रूट वाला मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, तो 1 1 ज़ 1, फिर 2 2 ज़ 4 हो जाता है, तो आप 1 से ही ले सकते हो 1 1 ज़ 1, ठीक है, माइनस करो, और नेक्स्ट हमेशा इसमें पेयर में नंबर ऊपर नीचे कॉपी होता है, तो नेक्स्ट पेयर आ गया आपका 32, और इसे हमेशा क्या करना पड़ता है बच्चों, यूनिट डिजिट को हमेशा डबल करना पड़ता है, 1 को डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 के बगल में आपको एक ऐसा नंबर अज्यूम करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो 132 आ जाए, सपोज करो 2 के बगल में अगर मैंने 6 लिया है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 6 ज़ 13, 6 2 ज़ 12, 6 6 ज़ 36, 6 2 ज़ 12, 13 14 15 ज़्यादा हो जाएगा, 25 लूँगी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 125, ठीक है, 5 लिया मैंने और 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 125, माइनस करो 12 में से 5 7, फिर यूनिट डिजिट को डबल करो, 5 को डबल करोगे तो 10, कैरी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट पेयर हम कॉपी करेंगे 0 0, उसके पहले मेरा पॉइंट था तो मैंने पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब इसके बगल में आपको एक नंबर अज्यूम करना और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं 2 लेकर 2 से ही मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो मेरा आ जाएगा 604, सब्ट्रैक्ट करो 10 में से 4 माइनस करोगे 6 9, नेक्स्ट पेयर कॉपी करो, फिर यूनिट डिजिट को डबल करो, 2 का डबल 4 3 0, हर केस में आपको वही करना है, आपको यूनिट डिजिट में एक नंबर लेना और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप यहां तक पहुंच जाओ, तो अगर मैं 3 लूं और 3 से मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो 3 3 ज़ 9, 3 4 ज़ 12, 3 3 ज़ 9, ठीक है, हो जाएगा, मैंने 3 लिया और 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 9 1 2 9, सब्ट्रैक्ट करो 1, ये बचा आपका 9 9 में से 2 माइनस करोगे 7, ये बचा आपका 5 5 में से 1 माइनस करोगे बच्चों मेरे 4, फिर यूनिट डिजिट को डबल करो तो 3 का डबल हो जाएगा बच्चों 6 4 3 0, अब आपको नेक्स्ट पेयर कॉपी करना है, नेक्स्ट पेयर है आपका 0 0, फिर बच्चों आपको एक नंबर अज्यूम करना और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं 1 लेकर 1 से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि 2 लूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 3 0 4 6 है, 1 लेकर के अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर था मेरा 4 7 1 0 0, ये आ जाएगा मेरा 3 0 4 6 1, ठीक है, हो जाएगा, यानी 232 को हमने रूट से बाहर निकाला है तो 15.231 आया है, और मैंने करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लिखा है क्योंकि मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया था, यानी कितना आया बच्चों
15.231। चलो सॉल्व करते हैं, 16 प्लस माइनस 15.231 डिवाइडेड बाय 12, यानी पहला रूट हो जाएगा मेरा 16 प्लस 15.231 बाय 12 और सेकेंड हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 15.231 बाय 12। क्लियर? अब आगे तो आप सॉल्व कर लोगे, मेन था रूट के बाहर निकालना, वो मैंने आपको सिखा दिया। तो ये किया था हमने नंबर 4, अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी नंबर 5। नेक्स्ट क्या है बच्चों नंबर 5, 2x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 7, राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट होना चाहिए बच्चों, दो डिजिट इसे सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए है आपका 2, बी है आपका माइनस 7, सी है आपका माइनस 1। फॉर्मूला डालो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2 इंटू ए, 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 प्लस 8 बाय 4, 7 प्लस माइनस रूट ओवर 57 बाय 4। ठीक है, अब आपको 57 को बच्चों रूट से बाहर निकालना, सेम टू सेम वही लॉजिक करना है। क्या करोगे, आपको बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी दो पेयर जीरो हमने ले लिया। ठीक है, अब पेयर में आप डिवाइड करते हो, करो डिवाइड, 4 4 कितना से जाएगा बच्चों, तो देखो 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 आपका 57 से बड़ा हो जाता है, तो हम क्या लेंगे 7 7 ज़ा 49, फिर माइनस करेंगे 17 में से 9 माइनस करोगे आएगा आपका 8। हमेशा यूनिट डिजिट को डबल करते हैं बच्चों, 7 का डबल क्या हो गया 14, फिर आपका पॉइंट है, पॉइंट लगाओ, नेक्स्ट पेयर नंबर कॉपी कर दो। अब आपको यूनिट प्लेस में एक ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो 800 के आसपास पहुंच जाओ। फाइव लेकर अगर मैं 5 से करूं तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22, 5 1 ज़ा 5 6 7। ठीक है, 5 लेकर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 725 आया। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर नेक्स्ट पेयर हम कॉपी कर देंगे, सेम टू सेम लॉजिक, यूनिट प्लेस को डबल करो, 5 को डबल करोगे हो जाएगा आपका 10, 10 का कैरी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा यानी 150। फिर आपको यूनिट प्लेस में एक डिजिट लेना है बच्चों और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 5 लेकर के 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 ज़ा 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेकर करना पड़ेगा, 4 लेकर करूंगी बच्चों, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 5 6। ठीक है, 4 लेकर के हमने 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो आया मेरा 6 0 1 6। ठीक है, यानी 57 को हमने रूट के बाहर निकाला तो आया बच्चों मेरा 7.54 डिवाइडेड बाय 4। तो पहला रूट हो जाएगा आपका 7 प्लस 7.54 बाय 4 और सेकेंड रूट हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 7.54 बाय 4। इज इट क्लियर? आगे तो सॉल्व कर लोगे, रूट के बाहर कैसे आएगा वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है। 6 और 7 एकदम सेम पैटर्न का है, तो मैं नंबर 6 बताऊंगी, नंबर 7 आप खुद से करना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इस बार 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं बोला, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब 3 डिजिट में ही आपका आंसर आना चाहिए। 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो चलो, ए है यहाँ पे मेरा 5, बी है यहाँ मेरा माइनस 3, सी है यहाँ मेरा माइनस 4। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2 ए 2 इंटू 5। 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 18।
बाय 10, 3 प्लस माइनस रूट ओवर 89 बाय 10। फिर आपको 89 को रूट के बाहर निकालना पड़ेगा बच्चों, तो 89.00 चलो सॉल्व करते हैं। आपको बोला था करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ना, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब टोटल तीन डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के पहले एक डिजिट और पॉइंट के बाद दो डिजिट, इसलिए मैंने दो ही पेयर जीरो लिया है। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81, ठीक है, 9 9 81, यह है आपका 8, फिर पॉइंट लगा के नेक्स्ट पेयर 0 0, 9 को डबल करोगे 18। अगर 4 से करूँ तो 4 4 16, 4 8 32, 1 33, 4 1 4 5 6 7, ठीक है, 4 करके 4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो आया 7 36, माइनस करो 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, 4 का डबल 8, 1 8 8, फिर नेक्स्ट पेयर कॉपी कर दो। चलो क्या डालोगे बच्चों, थ्री 1 8 8, 3 डालकर अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9, 3 8 24, 3 8 24, 25 26, 3 1 3, 4 5, ठीक है हो जाएगा। 3 डालकर के हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो नियरली आया आपका 5 6 4 9, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 89 को अगर आप पॉइंट के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 9.43, 3 प्लस माइनस 9.43 बाय 10। अगर जोड़ोगे बच्चों, अगर इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9.43 बाय 10, और सेकेंड रूट हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 9.43 बाय 10, तो प्लस करोगे तो 12.43 बाय 10, और माइनस करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 6.43 बाय 10। 10 से अगर इसको अगर आप डिवाइड करते हो बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1.243, और ये हो जाएगा आपका 0.643। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला है बच्चों, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आपका टोटल तीन डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 1.24, और यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 0.643। देखो यहाँ पे भी आपका तीन डिजिट है और यहाँ पे भी आपका तीन डिजिट है, ठीक है। तो ये बताया मैंने नंबर 6, नंबर 7 सेम टू सेम पैटर्न का, जिसमें आपको करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, मतलब टोटल आपका दो डिजिट में ही आंसर आना चाहिए, तो आप खुद से करोगे, और अगर कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नेक्स्ट करेंगे हम इसका एक्सरसाइज 5B, जिसमें हम देखेंगे बच्चों रूट्स के नेचर के बारे में। तो चलो सबसे पहले इसका MCQ सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 5D में आपको क्या करना है, आपको इसमें रूट्स का नेचर बताना है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रूट्स का नेचर होता है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है, वो मेरा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट में, जिसका वैल्यू होता है b² - 4ac, जिसके लिए 3 क्राइटेरिया था जो हमने पढ़ा था, b² - 4ac 0 से बड़ा हो सकता है, b² - 4ac का वैल्यू 0 से बराबर हो सकता है, और b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है। पहला आपको बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, तो रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे a है आपका 2, b है बच्चों -3, एंड c है बच्चों 1। आपको क्या फाइंड आउट करना है, b² - 4ac, b² यानी -3 का स्क्वायर 9, -4 * a है बच्चों 2, c है बच्चों 1, 9 - 8 = 1, विच इज़ ग्रेटर देन 0। देखो क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है बच्चों 0 के बड़ा हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो सकता है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो रूट्स जो है वो बच्चों रियल रूट्स होंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और रियल रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर होगा तो रूट्स मेरे इक्वल होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होगा, b² - 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव जो है वो इमेजिनरी होते, तो रूट्स मेरे कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, तो रूट्स का नेचर आपका डिस्क्रिमिनेंट पे
डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर बी जो था बच्चों वो मैंने नहीं लिखा है, बी में आपको फाइंड आउट करना था, चार इक्वेशन है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से किसके रूट्स जो है वो रियल होंगे। तो चारों ही इक्वेशन का आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल या जीरो के बड़ा होगा वो रूट्स रियल होंगे, जीरो से छोटा होने पर नेगेटिव में जाएगा जो कि रूट्स इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो इसलिए वो मैंने नहीं बताया है, आपको खुद करना है, डाउट होगा तो पूछ लेना। नंबर सी देखो क्या बोला है, नंबर सी में आपको बोला गया है, ये आपका इक्वेशन गिवन है x square minus px plus 4 is equal to 0, और आपको बोल दिया गया है कि इसके रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल होंगे बच्चों तो b square minus 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पे a आपका 1 है, b आपका minus p है और c आपका 4 है। वैल्यू पुट कर लो, b के जगह मैं लिखूंगी minus p का स्क्वायर minus 4 into a है बच्चों 1 और c है बच्चों 4 is equal to 0, यानी p square is equal to 16, p is equal to plus minus 4, ठीक है। तो p plus 4 भी हो सकता और minus 4 भी। अच्छा नेक्स्ट देखो, नंबर d भी आपका MCQ का सेम ही था, उसमें आपको बोला गया था चार आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि किसका रूट इमेजिनरी होगा। तो चारों में से आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, जिसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा मतलब नेगेटिव होगा उसका रूट्स जो है वो इमेजिनरी होगा। इसलिए मैंने ये किया नहीं है, ये आप करना, जो भी डाउट होगा उसे टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि अभी सेम पैटर्न के समय और हम आगे करने ही वाले हैं, तो एक ही टाइप का समय बार बार नहीं करा रही हूँ। नंबर ई में बच्चों एक रूट आपका गिवन है, आपको एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी रूट आपको गिवन रहेगा तो वो रूट उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी 3x की जगह आप 1 पुट कर सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस m into 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m आपका आ जाएगा। 3 माइनस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस m इज इक्वल टू माइनस 7, m का वैल्यू आ गया बच्चों 7, ठीक है। नंबर टू क्या है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। आपको बिना सॉल्व किए कहने का मतलब है पूरा आपको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, आपको रूट्स का नेचर बताना है। तो हम तो जानते ही हैं रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करके आप रूट्स का नेचर बता सकते हो। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 7x square minus 9x plus 2 is equal to 0. Discriminant होता है आपका b square minus 4ac. b है आपका minus 9, a है आपका 7, c है बच्चों आपका 2, put करो. माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 4 into a का वैल्यू 7, c का वैल्यू 2, 81 माइनस 7 टू 14, 14 फोर 56. तो ये देखो ग्रेटर देन जीरो आएगा, डी का वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा आएगा, मतलब रूट्स आपके रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या रियल एंड अनइक्वल भी बोल सकते हो, रूट्स आपके रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो इसमें टोटल चार क्वेश्चन है बच्चों, मैं सारा नहीं करा रही हूँ, नेक्स्ट में बताती हूँ। टू का पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x minus 9 is equal to 0. A है आपका 1, B है आपका 2 root 3 and C है बच्चों आपका minus 9. फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर यानी 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस 9, पुट कर दो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 9 फोर 36, 12 प्लस 36, ये भी देखो आपका 0 से बड़ा आ गया, मतलब रूट्स आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। बस आपको d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, d अगर 0 से बड़ा है तो आप लिखोगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, d अगर आपका 0 के बराबर है तो आप लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और d अगर आपका 0 से छोटा है तो आप क्या लिखोगे रूट्स आर अनरियल या फिर इमेजिनरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 3,
3x² - 12x + n - 5 = 0 has equal roots. आपको बोल दिया इस इक्वेशन का जो रूट्स है बच्चों वो इक्वल है. आपको फाइंड आउट करना है n का वैल्यू. ठीक है, अगर रूट्स इक्वल है तो यहाँ से देखो, a है आपका 3, b है आपका -12 एंड c है आपका n-5. अगर रूट्स रियल है तो इक्वल है तो b² - 4ac कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा. b² यानी -12 का स्क्वायर -4 × 3 × n-5 = लड्डू 144 -12 n - 5 = लड्डू 144 - 12n + 60 = लड्डू -12n जोड़ दो 0 4 6 + 4 10 112 = लड्डू -12n = -204. यहाँ से हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, सेम टू सेम नंबर 4 है, इसमें आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये आप खुद से करोगे और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना और बोलोगे तो मैं बता ही देती हूँ. फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप सारे सम्स नहीं कराते हो. m - 2x² - 5 + m × x + 16 = 0. इसमें भी आपको यही बोला गया है कि रूट्स जो है बच्चों इक्वल है. अगर रूट्स इक्वल है देन b² - 4ac = 0. b क्या है आपका? -5 + m, ये मेरा b है, इसका स्क्वायर लगाओ 4. a क्या है बच्चों? m - 2 और c क्या है बच्चों? 16 = 0. फॉर्मूला लगाएंगे ना m - 5 + m का होल स्क्वायर, तो फार्मूला लगाओ a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab. यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 16 × 4 = 64 m - 2 = 0. 25 + m² + 10m - 64m + 128 = 0. बस आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है और m का वैल्यू फाइंड आउट करना है. m² - 54m + 8 × 5 = 13 × 2 = 4 = 15 = 153. यानी ऐसा दो नंबर जिसे प्लस करो तो 54 आ जाए और इंटू करो तो 153 आ जाए. 51 एंड 3 को प्लस करोगे तो 54 आ जाएगा और इंटू करोगे तो 153 आ जाएगा. ठीक है, तो इसे फैक्टराइज कर लेना. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका नंबर 5. नंबर 5 में बोला है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट. इसके रूट्स जो है बच्चों डिस्टिंक्ट एंड रियल है. आपको बोला है 3x² - 6x + k = 0. इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करो और रूट्स आपको कैसा बोल दिया बच्चों? डिस्टिंक्ट एंड रियल मतलब दोनों रूट्स रियल है. और हमने पढ़ा है कि रूट्स अगर इक्वल होता है बच्चों तो b² - 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल होता है. और रूट्स अगर अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट है और दोनों ही रूट जो है वो रियल है, मतलब b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा. यानी b² - 4ac = 0. अभी ना हमने पढ़ा कि b² - 4ac = 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल. इफ b² - 4ac = 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इफ b² - 4ac < 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी. पुट करो, b है आपका -6, 4 a है बच्चों 3 एंड c है आपका k = 0. 36 - 4 = 12 k < 0. अब देखो, जैसे हम लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों वैसे ही करेंगे. आपको 36 को रिप्लेस करना है तो -36 इधर भी डालोगे और -36 हम इधर भी डालेंगे, यानी -12k = -36. अब देखो, आपको
के को फाइंड आउट करना है, यानी माइनस 12 को रिप्लेस करना होगा, और दोनों तरफ कभी भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं बच्चों, साइन मेरा चेंज हो जाता है। यानी k इज ग्रेटर देन 4, k का वैल्यू जो है वो बच्चों 3 से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये किया हमने नंबर 5। लास्ट हम करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 6 क्या है। गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको बोला है 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, और 2 बच्चों अगर इस इक्वेशन का रूट होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर सकते हो। तो चलो करते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस पी, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 3 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ से p निकालोगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट आपको सेकेंड इक्वेशन गिवन है, px² माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और आपको बोला है इस इक्वेशन का रूट जो है वो इक्वल है, तो p की जगह आप 4 लिख दो, 4x² माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का अगर रूट इक्वल है बच्चों तो b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। रूट्स तभी इक्वल होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। b का वैल्यू है बच्चों माइनस q, यानी माइनस q का स्क्वायर 4 इंटू a के जगह 4 और c के जगह 9। q² इज इक्वल टू 4 4 16, 16 इंटू 9 144। q² इज इक्वल टू 144 और q हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, तो यहाँ से p और q का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 5e बचा है, जिसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रिड्यूस करके कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर टेस्ट योरसेल्फ से जो इंपॉर्टेंट सम्स रहेगा उसे मैं बताऊंगी। तो इन दोनों एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मेन जितना इंपॉर्टेंट था वो यहाँ तक हो गया है, तो इसे आप पूरा देखना समझना, उसके बाद हम उस आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।